Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics Classes. Well, कल मैंने आप लोगों को पीएन संधि डायोड की अग्रविनिति की कार्यविधि और पीएन संधि डायोड की पार्श्वविनिति की कार्यविधि समझाई थी। उसके साथ साथ मैंने आपको अभिलाक्षणिक वक्र की परिभाषा और अग्रविनिति और पार्श्वविनिति में वक्र कैसा बनता है ये भी आपको बताया, और इसी के साथ साथ जेनर भंजन वोल्टेज की परिभाषा आपको बताई है ना। ये सारी बातें मैं आप लोगों को पिछले टर्म तक एक्सप्लेन कर चुका था, क्लियर? और ठीक है, चले आगे। तो जेनर भंजन वोल्टेज तक आपका हो चुका था, इसके बाद हमारे को एक नोट दिया है, ठीक है। पीएन संधि डायोड ओम के नियम का पालन नहीं करता है, ऐसा करके आपको एक नोट दिया है, क्लियर? भैया पहले आप मुझे बताओ, अपन ने ओम का नियम पढ़ा है, V समानुपाती आई, तो वहां धारा और विभव के बीच में ग्राफ कैसा आता था? सरल रेखा आता था, स्ट्रेट लाइन, अगर याद हो तो बनाया भी था वहां पर। यहाँ पर आपने पीएन संधि डायोड में धारा और विभव के बीच में जब ग्राफ बनाया था तो क्या वो सरल रेखा आ रहा था? नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीएन संधि डायोड जो होते हैं वो ओम के नियम का पालन नहीं करते। क्या आपको मेरी भाषा समझ में आई जो मैंने बोला? क्लियर है? तो ओटी में बहुत आता है, इस ओटी पे इम्पोर्टेंट मार लेना, पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। पीएन संधि डायोड जो होते हैं वो ओम के नियम का पालन नहीं करते। ऑनलाइन वालों मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? दे रही है, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। तो पीएन संधि डायोड जो होते हैं वो ओम के नियम का पालन नहीं करते। नोटों पे मैं इम्पोर्टेंट नहीं लगवा पाऊंगा बाद में, इसलिए अभी बोल रहा हूँ, है ना, अभी लगा लें, क्लियर। पीएन संधि डायोड ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। आगे बढ़ जाऊं। इसके बाद डायोड प्रतिरोध के प्रकार बताइए। क्या पूछ रहा है? डायोड के प्रतिरोध के प्रकार बताइए। तो प्रकार तो गए तेल लेने, पहले तुमको एक बात बताऊं, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? बदलता रहे, प्रत्यावर्ती यानी परिवर्ती, बोलो भैया। अच्छा, दृष्ट धारा जिसमें विभव धारा नहीं बदलते, स्थिर रहते हैं, स्थैतिक रहते हैं, सही बोल रहा हूं। इसी तरीके से यहां पर प्रतिरोध, जैसे धारा वहां दो प्रकार की, वैसे ही यहां प्रतिरोध भी दो प्रकार के। अब आप ही बता दो, स्थैतिक प्रतिरोध को कौन सा प्रतिरोध कहते होंगे, एसी प्रतिरोध या डीसी प्रतिरोध? डीसी प्रतिरोध, क्लियर। गतिज प्रतिरोध या प्रत्यावर्ती प्रतिरोध को कौन सा? एसी प्रतिरोध। समझ गए मेरी बात को? बहुत सुनो, ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, बचपन में हमने ये जाना था प्रतिरोध का सूत्र R बराबर रवि, है ना। क्या मैं इस सूत्र को ऐसे नहीं लिख सकता? रवि, बोलो भैया। यहां पर आपको इसमें किसके विभव में परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसमें नहीं दिखाई दे रहे? नीचे वाले में हो रहे हैं, तो ये कौन सा वाला प्रतिरोध होगा? एसी प्रतिरोध। ये वाला एसी प्रतिरोध हो गया, खेल नहीं है, ये बात समझ में क्लियर है? अब सुनिएगा ध्यान से, हमें मालूम है पीएन संधि डायोड ऐसे बनाते थे कि नहीं बनाते थे, इसको बैटरी से जोड़ते थे कि नहीं जोड़ते थे? ये मैंने कौन सी अभिनीति में जोड़ा है? अग्रविनीति में जोड़ा है। अग्रविनीति में जोड़ा है, नहीं जोड़ा है? अग्रविनीति में जोड़ा है ना। अग्रविनीति में जोड़ा है तो धारा बहेगी या नहीं बहेगी? तो किसी ने पूछ लिया, स्थैतिक प्रतिरोध क्या होता है या डीसी प्रतिरोध क्या होता है? तो अग्रविनीति में पीएन संधि डायोड के सिरों पर आरोपित विभव तथा उसके संगत उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को डीसी प्रतिरोध कहते हैं या स्थैतिक प्रतिरोध कहते हैं, समझ में आया? और अग्रविनिति में पीएन संधि डायोड के सिरों पर विभव में सूक्ष्म परिवर्तन करने पर उसकी उसमें प्रवाहित संगत धारा में भी परिवर्तन होता है, तो इसे डायोड का एसी प्रतिरोध कहते हैं। नहीं, यही बात समझ, एसी प्रतिरोध या गतिज प्रतिरोध एक ही बात है। सीन क्लियर है? भाषा समझ में आई? ऐसा ना लग रहा जी तो सेम बुई वाई है जैसे प्रतिरोध अपन ने मां पढ़ो? बोले भैया कोई दिक्कत, परिभाषा याद हो जाएगी, चमका दो फटाफट। इसके बाद हमारे को एक नोट दिया गया है, ये नोट जो है ये एक प्रकार का ओटी है। क्या है? ओटी, ओटी।
ग्यारह पास करो है। जितने भी ग्राफ वाले सवाल होते थे उनके लिए दो सूत्र पढ़ाए जाते थे इलेवेंथ क्लास में। देखें कौन बताता है। ग्राफ की प्रवणता पढ़ी है आपने, ग्राफ की प्रवणता या उसे ग्राफ का ढाल भी बोलते हैं, प्रवणता या ढाल एक ही बात होती है। मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, है ना। तो मुझे बता सकते हो ग्राफ की प्रवणता या ढाल का सूत्र क्या है। टेन टीटा, वेरी गुड। एक और होता है, ये तो y बराबर एम एक्स प्लस सी से बता दिया तुमने, m ग्राफ की प्रवणता, m बराबर टेन थीटा, सही बोलना, ऐसे ही बताया। और इसके अलावा टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अगर मैं x अक्ष y अक्ष वगैरह बनाऊंगा, कोण थीटा भी बनाऊं, तो लंब बटे आधार लगाऊंगा तो लंब क्या आएगा, कौन सा अक्ष आएगा, लंब y अक्ष बटे आधार x। क्लियर। ग्राफ की प्रवणता का जो सूत्र होता है वो होता है वाई एच बटे एक्स एच या फिर टेन थीटा। जो रामायण बोली मैंने आपको समझ में आई, पहले तो मुझे बताओ, समझ गया मैं, रहने दो। ये मैंने सरल रेखा का, ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, ये कोण थीटा होता है, बोलो भैया, ये एक्स एच है, ये वाई एच है, आपने पढ़ा होगा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधा। ग्राफ की प्रवणता या ढाल उसको टेन थीटा कहा जाता है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, इस कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और ये इसके समांतर है, तो मैं इसे वाई एच नहीं लिख सकता, बटे आधार एक्स एच नहीं, यही बात सुनो, बोलो भैया काव्य को परेशान। ये जो नोट लिखा है वो उतनी आसानी से समझ नहीं आएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा आप, नहीं तो रटना पड़ेगा आपको। उसने बोला है, पहले आप मुझे बताओ अभिलाक्षणिक वक्र, कल मैंने पढ़ाया था क्या होता है, शाबाश, यानी आप ऐसे ही तो करते थे, ये धारा बना दी, विभव बना दिया, धारा और विभव के बीच खींचा गया वक्र अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। अब वो कह रहा है अभिलाक्षणिक वक्र का ढाल, ढाल क्या होगा इसका, ढाल यानी प्रवणता क्या होगी, ये सूत्र होता है वाई एच बटे एक्स एच, तो क्या हो जाएगा, आई बटे भी, वाई एच पे आई है, एक्स एच पे भी है, तो आई बटे भी। तो उसने बोला है अभिलाक्षणिक वक्र की ढाल का व्युत्क्रम, तो क्या हुआ, वी बटे आई, और वी बटे आई क्या होता है, प्रतिरोध, नहीं यही बात है, पूछ रहा है पीएन संधि डायोड में अभिलाक्षणिक वक्र के ढाल के व्युत्क्रम को डायोड का गतिज प्रतिरोध कहते हैं, या इसी प्रतिरोध कहते हैं, समझ गए क्यों मैंने बोला, बोलो, अगर मैं ये अभिलाक्षणिक वक्र हो गया, इसका ढाल किसी ने मुझसे पूछा ढाल, तो ढाल मुझे मालूम है वाई एच बटे एक्स एच, वो कह रहा है ढाल का व्युत्क्रम, तो यानी कि v अपॉन i की बात करवा रहा है, बोलो भैया ये क्या है, ढाल का व्युत्क्रम, नहीं है मेरी बात समझ में, बोलिए, तो अभिलाक्षणिक वक्र के ढाल के व्युत्क्रम को डायोड का प्रतिरोध कहते हैं, नहीं है मेरी बात समझ में, क्लियर है, पढ़ लो, नोट हो गया आपका। इसके बाद हमारा नोट्सों में बीच में एक क्वेश्चन रह गया है जिसमें दिया है डायोड वाल्व की अपेक्षा संधि डायोड की श्रेष्ठता समझाइए। यारो एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछूं रावण और गोलियत में क्या अंतर है, रावण जानते हो, तो रावण और गोलियत में क्या अंतर है, अब हम अंतर तो हम तब बता पावेंगे ना जब हमें गोलियत पता होए, अब गोलियत है हम जाने नहीं तो क्या अंतर बता पाएंगे। पट्टो ने मुझसे पूछा है डायोड वाल्व की अपेक्षा संधि डायोड की श्रेष्ठता समझाइए, वो मुझसे कह रहा है डायोड वाल्व की तुलना में पीएन संधि डायोड यानी कि संधि डायोड क्यों श्रेष्ठ है। अब यार संधि डायोड तो मैंने पढ़ा है, डायोड वाल्व तो मेरे सिलेबस में ही नहीं है, समझ गए ना मेरी बात को, फिर भी मुझे पूछ रहा है श्रेष्ठता बताइए, तो क्या हम बता सकते हैं,
क्या आप समझ सकते हैं? बताओ, नहीं समझ सकते क्योंकि हमने डायोड वाल्व पढ़ाई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग याद रखना, क्लियर क्या है मैं बता दूं आपको। सस्ता होता है, कम जगह गिरता है, पीएन संधि डायोड में कम वोल्टेज की बैटरी से ही काम हो जाता है। याद हो जाएगा मेरे ख्याल से, सरल सरल से पॉइंट है, तो पढ़ लो आप समझ जाओगे, है ना। इसके बाद हमारे नोट्सों में सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन दिया है, वो हमसे जानना चाहता है पट्टा। क्या जानना चाहता है वो देखिए इधर। काय तुम बता दो पहले, मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा क्या जितना बड़ा कर दिया, क्या हासिल कर लिया तुमने, क्लियर। अग्र अवनीति में किसको किससे जोड़ते हैं? पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से। सांची कह रही पश्चिम में पी को ऋण से, एन को धन से, ठीक है, ऐसा हमने पढ़ लिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी भी जगह अगर मैं ऐसा चिन्ह बनाता हूँ, आपको याद होगा चैप्टर 2 मैंने पढ़ाया था, तो मैंने ऐसे बताया था ऐसे बनाता हूँ, फिर मैं इसे ऐसे करके, ये क्या है? अच्छा ये पृथ्वी है। अच्छा ये संकेत पृथ्वी का होता है। कितना विभव होता है पृथ्वी का? शून्य वोल्ट। चूतियों बता दियो, है -2 बड़ा या 0 बड़ा? जीरो बड़ा, जीरो बड़ा या दो बड़ा? दो बड़ा, दो बड़ा, समझ गए, क्लियर है। अब अच्छा ये बताओ, ये मैं एक चित्र बना रहा हूं आपके सामने, ये बताना मैंने काय का चित्र बनाया। अच्छा ये पीएन संधि डायोड है, पी कौन सी लगे? अच्छा तालंग तीर आवत होते पी होते है? जान तो मतलब है जानकार, जानकार ने। अब जैसे मान लो चित्रण में तुम्हें इतने बीते वो लगो दिख जाए प्रतिरोध, तो बाकी खूब सर्दी गर्मी नाने लगा रहती है, क्लियर, उसको इग्नोर करो, ओके। अब बताऊंगा जी, मैंने जोड़ दो +3 वोल्ट, जी मैंने जोड़ दो मान के चलो -5 वोल्ट। अब मुझे बताओ ये डायोड जो है वो अग्र अवनीति में जुड़ा है या पश्च अवनीति? अग्र अवनीति में जुड़ा है। तो मैं कैसे बताऊं? पी पॉजिटिव थे, एन नेगेटिव, समझ गए, इसलिए ये अग्र अवनीति में जुड़ा है। अब तो ताजिया ठंडे हो गए, ताजिया ठंडे हो गए ना, जामे एक पॉजिटिव तो दिख रहा, दूसरा तो नेगेटिव दिखे ही ना, प्राण नहीं करे। तो सुन लो मंत्र दे रहा हूं, हमने ऐसे पढ़ा अग्र अवनीति में पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से, ठीक है, अच्छी बात है, हम समझ गए। पी पॉजिटिव से यानी पी बड़े वाले पोटेंशियल से, और एन नेगेटिव यानी एन छोटे वाले से। अगर पी बड़े वाले से जुड़ा होगा, एन छोटे वाले से जुड़ा होगा, तो इसका मतलब, और उल्टा होगा तो आप महान है, पता। अब इन दो गुण में बड़ो कौन सो पहले, तो जी देखो, दिस इज बड़ा, दिस इज छोटा, तो पी छोटे वाले से, एन बड़े वाले से, पश्चिमी होगी, नहीं है मेरी बात समझ। अब बताओगे, बताओ दिए, बताइए दिए कौन सा बता रहे हो, दिए कौन सा बता रहे हो, बताइए या तो मतलब क्या है? पृथ्वी, ये 0 वोल्ट है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो पी छोटे वाले से, एन बड़े वाले से, तो क्या हो गया? जाएगा अगर माइनस कर दिए तो जीव माइनस और जी पृथ्वी है। अब जी कहा हो तो बता, क्योंकि अब जी 0 - 5, तो दिस इज छोटा, दिस इज बड़ा, तो पी बड़े वाले से, एन छोटे, समझे। अभी चारों चित्रण में निगाह मार लियो, अपने आप समझ जाओ। एफ बी लिखिए तो इसका मतलब फॉरवर्ड बायस यानी अग्र अभिनीति, ऐसे लिखा है, अग्र पश्च लिखा होगा, पढ़ लो है, समझ जाओगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए पर्याप्त, कल पर मिलते हैं, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस, जय हिंद।